चैट। यार मुझे इतने ही बड़े बड़े पसंद है, आदत ही नहीं है यार। भैया लहर जा रही है। हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ज्यादा ठीक हूँ, अच्छी हूँ एक्चुअली, ठीक भी नहीं हूँ। तो ये व्लॉग आज का मैं बना रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, जो कि मेरी बचपन की सहेली है, इकलौती सहेली जो अभी तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे। तो आज का व्लॉग बनाना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जा रही है, मतलब प्रयागराज से। तो मेरे लिए ये व्लॉग बनाना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्ती पे कलंक हो जाता, इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ करने के लिए, क्योंकि उसका 2-3 दिन से मूड थोड़ा डाउन चल रहा है, तो उसको चीयर अप करने के लिए और गुड लक बहुत सारा देने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। फिलहाल मैंने अपने पापा की टी शर्ट पहनी हुई है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। अब मैं जा कर के अपने कपड़े पहनूंगी, तो या मैं रेडी होकर के आती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके लिए झुमके खरीदूँगी, और क्योंकि उसको झुमकों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसको झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए मैं खरीदूँगी केक। ऑब्वियसली केक किसको नहीं पसंद होता यार, इसी बहाने मैं भी खा लूँगी। और मैं उसके लिए फ्लावर्स लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे या उसे किसी ने फ्लावर्स दिए हैं, यू नो BFF गोल्स। तो मैं उसे फ्लावर्स दूँगी और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, और प्लीज़ कुछ अच्छा रिएक्ट कर देना। गाइज, मेरी अभी अभी लहर से बात हुई और उसने कहा कि वो बैंक जा रही है, तो उसको 1 घंटे लगेंगे फिर वो घर आएगी। बट स्टिल कवर अप करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं जो मुझे चीज़ें लेनी हैं वो मैं ले करके उसके घर पे जा करके सेटल कर दूँ, फिर उसको सरप्राइज़ मिलेगा जैसे ही वो घर आ जाएगी। बस उसके घर वाले थोड़ा कोऑर्डिनेट कर ले, तो चलते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए हैंडबैग ले लूं, क्योंकि मुझे फ़्लावर्स कहीं नहीं मिल रहे थे, पर भैया की कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, और प्राइजेस तो और भी ज़्यादा हाई थे। और मैंने ना फ़्लावर्स इतने ज़्यादा ढूंढे बट मुझे कहीं नहीं मिले, और अब मैं लहर के घर के बाहर हूँ। तो चलो चलते हैं। सरप्राइज सरप्राइज। अभी तो कुछ दिया ही नहीं पर मैंने। तो दोस्तों, मैं लहर के लिए जो लाने वाली थी वो मिला ही नहीं, और पर ये आ गई है गाइस। हाँ, पर मैं इसके लिए लेकर के आई हूँ झुमके। अब मुझे खाली डब्बा दिख रहा था इतनी देर से, मैं उसके लिए कुछ और भी, ये ज्यादा बढ़िया है। और मैं इसके लिए लेके आई हूँ पेस्ट्री। यार ये सच में बढ़िया है, ऐसे थोड़ा खराब लग रहा है वो उसकी शक्ल की वजह से, झुमके अच्छे हैं दोस्तों। इसे भी सच में बढ़िया है यार, मुझे इतने ही बड़े बड़े पसंद है। असली है ये लोना। क्या झुमके? झुमके गाइस। तो गाइस, इसे हमने बड़े झुमके दे दिए हैं, और मैं इसके लिए मीठा लाई थी, मीठा भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, इसको कहाँ रखूँगा मैं? पकड़ लेती हूँ आज के लिए तुम्हारी नौकर, क्योंकि ये जा रही है तो इसको स्पेशल फील करवाना है। और जो एक चीज़ मैं लाने वाली थी वो तुम ब्लॉग में देखना, क्या लाने वाली थी। क्या लाने वाली थी वो तुम ब्लॉग में देखना। व्यू तो बढ़े मेरे थोड़े बहुत। व्यू बढ़ा रही हूँ। हाँ, मुझे क्यों दे रही हो भाई? झोला ये स्पॉन्सर नहीं है किसी से भी, तो बिल्कुल इसको ये झोला ऐसे इग्नोर कर। इसी झोले को लहर आज ट्रेन में लेकर जाने वाली है। बस यही झोला लेके जाऊंगी, और कोई पैकिंग नहीं है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे जैसी इतनी अपरंपार दोस्त पा करके? अभी मैंने इसका मेकअप सही किया, सबसे पहले मैं राज खोलूं, पहले मैं ये आई थी यहाँ पे, ब्लश इतना सारा यहाँ पे, इतना सारा एफर्ट्स पहले इसका मेकअप सेट किया है मैंने। अभी One eternity later. गाइस देखो, बात ये है कि हम गेट के पास खड़े होके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि घर पे लोग हैं और
हमें शर्म आ रही है हाँ। तो हम बाहर गेट के पास ही आ गए हैं। यस, और मैंने मेकअप नहीं किया है। मेरी सुंदरता ऐसी मैंने भी नहीं किया दोस्तों, मैं झूठी गई थी, हम भी मेकअप से किए। बाकी बातें हम ऊपर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले सुन लेंगे और हमें दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ बातें घर पे रहे तो अच्छा है। यस, तो लेट्स गो, बाय। हाँ तो गाइज, मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को इस ब्लॉग में, मेरी मेरा आने का रीज़न यहाँ पे यही था। ये मुझे मिली कैसे, कैसे मिली वो बहुत जानने लायक नहीं, वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे मिली थी ये मुझे। तो क्या हुआ था कि ये स्कूल टाइम में ना अलग ही खूबसूरत लगती थी, अभी तो चलो जो भी लग रही है ठीक है, बट स्कूल टाइम में ये बहुत सुंदर लगती थी। तो और इसके बाल तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे, बाल दिखाओ, बाल कितने सुंदर और भी अच्छे थे उस टाइम पे, तो अभी तो इसने ख़राब कर दिए। बट ये क्या था ना, मेरे को लगा था कि इस ये पंजाबी है, तो मुझे पंजाबी लोगों से अलग ही ऑब्सेशन था। मेरे को लगता था यार मेरी दोस्त बन जाए, वाओ ऐसा वैसा। तो ये ना हम लोग ना स्पोर्ट्स पीरियड से मस्त थक हार के एकदम क्लास में जा रहे थे, सब थक चुके थे, सबको ये था यार बस अब छुट्टी हो जाए जल्दी से। ये मैडम, इनमें तब भी जोश था पूरा, सब ख़त्म हो गया था, सब थके हुए थे। ये इतना बड़ा एक तो बॉटल लेके आती थी, नॉर्मल बॉटल बच्चों वाली भी नहीं लाती थी ये सिक्स क्लास में, इतनी बड़ी बॉटल लाती थी लोहे की, और उसको ना ऐसे ऐसे करके लेके जा रही थी। ओके, वहाँ पे भी मेरी एक दोस्त बैठी हुई है जो नहीं आना चाहती है, हाथ तो दिखा। तो वो ना ऐसे ऐसे करके चल रही थी और मैं इसके पीछे थी। तो अभी आप ये सोचो कि मैं इतनी मिनी हूँ, तो उस टाइम में माइक्रो मिनी थी, तो मैं और छोटी थी। इसने बॉटल ऐसे 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 करके जा रही थी और मैं इसके पीछे जा रही थी, और इसने दे घुमा के मेरे माथे पे दिया पूरा बॉटला। और ये मुझसे क्या पूछती है, उस दिन हमारी फर्स्ट टॉक थी ठीक है, ये हमारा पहला बात करने का रीज़न था। ये घूम करके बोलती है लगा तो नहीं, और मैं नहीं बिल्कुल नहीं लगा, कोई बात नहीं, कहती सॉरी सॉरी, मैं नहीं कोई बात नहीं ठीक हो आप मानो। फिर उसके बाद से हम साथ में बैठने लग गए, हमारी अच्छे से बात होने लग गई, फिर तो क्या ही था, अब तो नेवर एंडिंग हो गया। फिर उसके बाद टीचर स्कूल के हमें करण अर्जुन बोलते थे, मतलब कभी मैं आ जाऊँ गलती से और ये नहीं आई है तो सब यही पूछते थे तुम क्या कर रही हो, वो नहीं आई है तो, मतलब ऐसा सिस्टम था। इसको खाने की पड़ी है, वहाँ भैंस चिल्लाई जा रही है, मतलब गाय से लहर के घर के थोड़ा इसने भैंसे पाली, थोड़ी अमीर ज्यादा है। नहीं पाली सामने वाले भाई, चुप कराओ अपने पालतू जानवर को। इसको इसी की पड़ी रहती है, खाना है। चलो ये डाइट पर है, मैं डाइट पे नहीं। गाइस हम थोड़ी देर में आते हैं, हमें देखना होगा कि हमारी बच्चिया को क्या हुआ है। हम थोड़ी देर में आते हैं गाइस, हम आ गए हैं फिर से। तो मैं ये बोल रही हूँ, No, God, please, no, no! मैं ये बोल रही थी कि लहर जाने वाली है और लहर क्यों जा रही है, क्योंकि उसको कैसा है ना कि जॉब मिल गई है। हाँ, हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लहर को जॉब मिल गई है, जैसा हम सबको। तो लहर कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या मेरी आधी ज़िंदगी लहर ने ही बर्बाद की है, उसके बारे में ना बात करें तो बेहतर है, ये बोल करके कि वो देख तुझे देख रहा है, वो कितना प्यारा लड़का है, तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हो, ये बोल के उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है दोस्तों। पर फिर भी वो जा रही है, तो मैं उसके लिए अच्छे शब्द निकालूंगी और कहूंगी लहर ध्यान रखना, गुड लक,
खैर ये 3 महीने में वापस आ जाएगी, तो इतना क्या ही ड्रामा करो। ठीक है गाइस, तो अब हम रील बना लेते हैं जिसमें हमें दूसरी अर्चनाएं वापस से नहीं आएंगी, तो अब हम रील बनाने जा रहे हैं। और अब गाय नहीं बोल रही है, अब ये नहीं बोलेगी, और जब हम बोल रहे थे तो ये बोलने जा रही थी, इसलिए हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी तक में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जो हम साथ में बैठ के टिफ़िन शेयर करते थे और लहर मेरा सारा टिफ़िन खा जाती थी, वो टाइम नहीं आएगा वापस। बट आई होप लहर तुम्हें बहुत सारी सक्सेस मिले और तुम्हारी अच्छी दोस्त मैं ही रहूं। तो हमने ना बहुत सारी रील बनाई है और बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हैं, और मेरी व्लॉग थोड़ा कम आने की वजह यही है जो आवाज़ें आ रही हैं, बट स्टिल हमने मैनेज कर लिया है किसी तरीके से व्लॉग को ख़त्म करने का। सो यार लहर जा रही है, तुम याद आओगी, 3 महीने बाद फिर आ रही हूँ, पर 3 महीने बाद फिर आ जाओगी। तो या चलो गुड बाय, अपना ध्यान रखना, और तो बाकी तेरे को पता ही है, ठीक है? मुझे पता है, बाकी ज्यादा से कुछ बोलती भी नहीं। चलो गाइस बाय, सारा अपना ध्यान रखो, गुड बाय, और अपने दोस्तों के साथ हमेशा क्लोज रहो जो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मत रहो, स्कूल फ्रेंड्स के साथ पक्का रहो, क्योंकि वही सगे होते हैं जैसे कि तुम मुझे देख रही है। मैं पतंग देख रही हूँ। चलो बाय, टाटा, बाय गाइस, टेक केयर।